नमस्कार मित्रों, सभ्यता अध्ययन केंद्र की इस संवाद श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस संवाद श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं यूरोप की, और हमने इसका जो शीर्षक रखा है अंग्रेजी में रीविजिटिंग यूरोप और हिंदी में यूरोप एक खोज। खोज इसलिए कि जो यूरोप के बारे में हम जानते हैं वही सत्य नहीं है, तो ढूंढना आवश्यक है कि वास्तव में यूरोप क्या था, क्या है। जो दिख रहा है या जो दिखाया जा रहा है, जैसे हम लोगों ने एक फिल्म में देखा था, दृश्यम नाम की फिल्म में, जिसमें वह हीरो जो दिखाना चाह रहा था वो सत्य नहीं था, और जो सत्य था वो दिख नहीं रहा था, महसूस हो रहा था कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं चल रहा था। वैसे यूरोप के साथ वैसा ही है, महसूस तो होता है कि कुछ तो उसके इतिहास में, उसके वर्तमान में कुछ तो गड़बड़ है, दिखता नहीं है। दिखता बड़ा ही लग्जेरियस है, अट्रैक्टिव है, एकदम से आकर्षित करने वाला दिखता है, लेकिन उसके अंदर क्या है यह एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। उन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए, अच्छा ऐसा नहीं है कि वो एकदम रहस्य, उस रहस्य को लिखा है लोगों ने, वहां के लोगों ने ही लिखा है, और उन्होंने जो लिखा है वो पढ़ने के बाद चौंकना, आश्चर्य हो जाना बहुत स्वाभाविक है। और इसीलिए यह जो उसका व्याख्यान चलेगा, इसमें यह चौथा और उसके बाद के एक दो और, ये व्याख्यान इसका जो शीर्षक हमने रखा हुआ है, हैरत अंगेज प्रवृत्तियां, यूरोप की हैरत अंगेज प्रवृत्तियां, ऐसी प्रवृत्तियां जो आपको बिल्कुल ही आश्चर्यचकित कर दे कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या, क्या ऐसा भी संभव है कि कोई मनुष्य व्यवहार करे। लेकिन वहां आश्चर्य की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। तो वो क्या प्रवृत्तियां हैं उनकी, क्या क्या उन्होंने किया है, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। यदि कोई कहे कि नहीं अरे चलो प्राचीन काल में कुछ हुआ होगा, हालांकि भारतवर्ष के इतिहास में प्राचीन काल को भी नहीं भूलते हैं लोग, दलितों पे सदियों से अत्याचार हुआ, जैसा मिथ्या झूठ वो याद करके रखते हैं, पुस्तकों में पढ़ाते हैं, लेकिन वहां की कोई बात सामने आने पर फट से कहते अरे प्राचीन बात हो गई, आधुनिक बात करो। हम आधुनिक बात करेंगे, विक्टोरियन एज में यूरोप क्या है, लंदन क्या है, उस पर उसके कैसे आश्चर्यजनक बातें हैं, उस पर से पर्दा हटाएंगी। इस श्रृंखला की जो विदुषी वक्ता हैं प्रोफेसर कुसुमलता केडिया, वो हमारे साथ में हैं, और आज वो इस पर प्रकाश डालेंगी और पर्दा फाश करेंगी उन रहस्यों से जो आज तक जिनसे हम अनजान हैं। प्रोफेसर कुसुमलता केडिया, नमस्कार। हम लोगों ने, ये शायद हमारा चौथा सीरीज का व्याख्यान है, तो पहले दो में हमने उसके टोपोग्राफी और क्लाइमेट की बात की कि मामला कुल 2300-2400-2500 साल का है अधिकतम, और उसके बाद हमने ग्रीस रोम की बात की। इस पुस्तक से हम ज्यादा बात कर रहे थे, यूरोप की नॉर्मन डेविस वाली पुस्तक से। तो इसका जो तीसरा अध्याय था, ग्रीस और रोम के बाद बर्थ ऑफ यूरोप, तीसरी शताब्दी, पांचवी शताब्दी, सातवीं शताब्दी, आठवीं शताब्दी, ये इन लोगों का मतभेद है। क्यों? क्योंकि ये बर्थ ऑफ यूरोप को मानते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन यूरोप और इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन रोमन वर्ल्ड, ये इनका कहना है। तो जो बर्थ ऑफ यूरोप है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी है, उसी तारीख से स्वयं यूरोपीय लेखकों के अनुसार उनका डार्क एज शुरू होता है। और ये डार्क एज खत्म कब होता है, फिर वही है जैसे तीसरी से आठवीं तक है, जो कि अर्नोल्ड टोइनबी कहते हैं आठवीं शताब्दी में क्रिश्चियनिटी यूरोप में दिखने लगी, फैल गई नहीं है, दिखने लगी है। और जो कॉन्स्टेंटाइन का जो वो अनुबद्ध पत्र बताते हैं कि उसने क्रिश्चियनिटी स्वीकार किया, वो एक पेपर ऑफ फोर्जरी है, ऐसा टोइन भी कहते हैं, उनके बहुत प्रतिष्ठित, हम लेखक कहेंगे, वो उनको इतिहासकार, हिस्टोरियन कहते, कहानीकार कहा जा सकता है। तो अब जो डार्क एज खत्म होता है, हम उसके बाद की कहानी कहेंगे, जिसको आधुनिक यूरोप कहते हैं, क्योंकि डार्क एज को सुन पाना भारतीयों के वश की बात नहीं है। तो उस शॉक के लिए, उस हॉरर मूवी के लिए, भारत की सब
पोर्नोग्राफी मैंने देखी नहीं है, लेकिन पोर्नोग्राफी के बारे में मैंने पढ़ा ठीक से, यूरोपियन पोर्नोग्राफी को पढ़ा ठीक से, पोर्नोग्राफिक फिल्म मैंने नहीं देखी है, इसलिए उसका तो अनुभव नहीं है। हॉरर फिल्म मैंने कुछ देखी है, और ये जो टीवी पर आहट वगैरह टाइप सीरियल आता है जिसको रात को देख के डर लगता है, सपना आता है, भूत प्रेत का भाव होता है, ये सब बच्चों का खेल नजर आएगा जब हम बर्थ ऑफ यूरोप के साथ आधुनिक यूरोप जो इनका मिडिल एज है, इनका एंशियंट मिडिवल मॉडर्न सब 2,500 साल में सलट जाता है, तो उस शॉक के लिए, उस बीभत्स रस के लिए, उस भयानक रस के लिए तैयार करने के लिए मैं अपनी बात शुरू करूंगी इस पुस्तक से, द लंडन अंडरवर्ल्ड द इन द विक्टोरियन पीरियड ऑथेंटिक फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स बाय बेगर्स थीव्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स। ये किताब मूलतः जो छपी थी, ये किताब मूलतः छपी थी 1861 यानी सेकेंड हाफ ऑफ 19th century। उसके बाद 2005 में इसका अनएब्रिज्ड एडिशन छपा, एब्रिज नहीं किया, यथावत छापा, और कई और लेखकों के डिटेल है। तो विक्टोरियन एरा, विक्टोरिया का समय बताते हैं, 1833 में वो इंग्लैंड की रानी बनी और 1901 तक है, तो 1833 से 1901 का समय विक्टोरिया के इंग्लैंड की रानी होने का है। लेकिन जब विक्टोरियन एरा कहते हैं तो ये अंग्रेज ऑथर और यूरोपियन ऑथर इसको 1820 से 1914 हर दृष्टि से एक मॉडर्न पीरियड, पोस्ट इनलाइटनमेंट पीरियड, 1820 मतलब 19th century, 1914 मतलब बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जबकि ये तो 1901 में ही मर गई, इसके बाद एडवर्ड आता है, और जो 1820 लेते हैं, 1820 से 1833 तक कोई जॉर्ज नाम का राजा है इनके, तो ये 100 साल को ये मॉडर्न। लेकिन भारत में तो बताते हैं कि जी रेनेसा से ही मॉडर्न पीरियड शुरू हो गया, और रेनेसा 1433-35 से बता देते हैं, यानी कि रेनेसा शुरू हो गया 15th century में, तो 16वीं, 17वीं, 18वीं, विक्टोरिया कब है, 19वीं है, तो 16वीं, 17वीं, 18वीं को भी पोस्ट रेनेसा, रेनेसा के बाद यूरोप का पुनर्जन्म हो गया। जन्म कब हुआ, बर्थ ऑफ यूरोप कब हो रहा है, 3rd से 7th तक, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी, इंट्रोडक्शन नॉट बाय कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोप बाय क्रिश्चियनिटी, नो, जस्ट इंट्रोडक्शन, जस्ट इन रोड शुरू हो रहा है हलचल की तरह से। और एनलाइटनमेंट कब किसको कहते हैं, जब ये क्रिश्चियनिटी इनके अनुसार हार जाती है, खत्म होने लगती है। लेकिन जो रेनेसा कहते हैं पुनर्जन्म, भारत में उसको पुनर्जागरण कहते हैं, वहां उसका मतलब है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म किसका, ग्रीस वाली बातें यूरोप में आनी शुरू हो गई, आनी वानी कुछ नहीं शुरू हुई, वो कथा हम बाद में बताएं। तो मैं अचानक ये दोनों पुस्तकें, एक ये द लंडन अंडरवर्ल्ड मैंने दिखाया और एक इसका कवर गायब हो गया है, ये पुस्तक है द लो एंड लाइसेंशियस यूरोपियंस रेस क्लास एंड वाइट सबल्टरनिटी इन कॉलोनियल इंडिया। ये दो किताबें मेरे पास 10 साल से पड़ी थी, लेकिन इतनी माइन्यूट डिटेल में पढ़ना छोड़ दिया था, किसको बताऊं। लेकिन जब ये सीरीज चला तो ये दोनों अचानक एक दिन रात को जग गई, अभी पिछले हफ्ते इन दोनों को पढ़ा, इन दोनों को सुनाने जा रही हूँ। इन दोनों सुनाने के पहले थोड़ा सा सुनिए जो मैं मेरी एक पुस्तक में 87 में छप चुका है, 87 मतलब 22 चल रहा है, आज से करीब 35 साल पहले।
और संघ में इस पुस्तकों से पूजनीय सुदर्शन जी, पूजनीय रज्जू भैया, ये लोग, शेषाद्री जी, ठेंडी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, ये लोग इससे बौद्धिक दिया था। तो इस पुस्तक का नाम है रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। उस वक्त में बहुत पढ़ती थी, भयंकर पढ़ती थी, और आपको तो कुछ झलक दे रही हूँ। इनका एक बहुत बड़ा इंग्लैंड का ऑथर है, देखिए, सुन के घबराहट हो तो सुनना बंद कर दीजिएगा, लेकिन जो लोग सुन सके वो पूरा इसको सुने। इनका एक लेखक है जॉन विलियम ड्रेपर, इसको सर की उपाधि दी है। सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि कौन देता है? इंग्लैंड का स्टेट, इंग्लैंड का रानी, इंग्लैंड का राजा इस उपाधि को। ये कौन लोग हैं? फेथफुल टू द क्राउन ऑफ इंग्लैंड, फेथफुल टू द क्राउन ऑफ ब्रिटेन। मैंने, मेरा एक अभ्यास है कि जब मैं कोटेशन देती हूँ तो उनका कोटेशन देती हूँ जो उस विषय में उनके द्वारा उनके मान्य विद्वान है। मार्जिनल में तो बहस कर लेंगे, जैसे नरेंद्र मोदी जी के सरकार के बारे में कुछ बताना हो तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के कोटेशन, गांधी जी के बारे में बताना हो तो गांधी जी का स्वयं का भाषण और स्वयं का लेखन। तो अब इंग्लैंड के लिए बता रही हूँ किसका भाषण, किसका लेखन, जॉन विलियम ड्रेपर। जॉन विलियम ड्रेपर कौन है? फेथफुल टू क्राउन, और इस हद तक फेथफुल है कि उसको सर की उपाधि है। अब ये कह रहे हैं, 17वीं शताब्दी में, संक्षेप में पढ़ रही हूँ, इन लंदन, अभी 18वीं शताब्दी में हमको आना है, 18वीं-19वीं में विक्टोरियन एरा, इन लंदन द क्रेजी ओल्ड ब्रिज ओवर द टेम्स वॉज डेकोरेटेड विद, सजाया गया है। काहे से सजाया? भाषा देखिए, सजावट बता रहे हैं इसको। इन लंदन द क्रेजी ओल्ड ब्रिज ओवर द टेम्स वॉज डेकोरेटेड with grinning and moldering heads of criminals, जो क्रिमिनल है उनके सरों से सजाया। सर कैसे है भाई? काट दिया गया, काट के टांगा गया है। उससे जब उन खोपड़ियों से जब हवा गुजरती है, बहुत लंबा वर्णन है, तो तरह तरह की हु 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 की आवाज आती है। तो नरमुंडों से सजाया हुआ, और नरमुंड एकदम कंकाल नहीं है, काटा और खून टपकता हुआ टांग दिया, इस सब हम नहीं पढ़ रहे, खून टपकता हुआ लाइन से टांग दिया। वो धीरे धीरे सड़ रहा है, चील, गिद्ध, कौवा, जो उनके यहाँ पक्षी होता होगा वो उसको खा रहा है, मांस सड़ रहा है, आंख लथड़ रही है, और ये सड़ के विकृत हुए सरों को, खोपड़ी, खोपड़ी नहीं है ये, अभी जिंदा आदमी की का सर है, सर और खोपड़ी होने में अभी टाइम लगेगा, 2-4-5 महीना लग जाएगा। तो ऐसे से लंदन में, इंग्लैंड की राजधानी, ब्रिटेन की राजधानी में क्रिमिनल्स के ग्रीनिंग एंड मोल्डरिंग हेड्स लगे हैं, और लगाने का प्रयोजन है, यूं ही कोई बदमाश नहीं टांग गया है, ये स्टेट और चर्च ने टांगा है। इसी इंग्लैंड की पार्लियामेंट को मदर ऑफ पार्लियामेंट, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, और इसी से नेहरू गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। इन लंदन द क्रेजी ओल्ड ब्रिज ओवर द टेम्स वॉज डेकोरेटेड विद ग्रीनिंग एंड मोल्डरिंग हेड्स ऑफ क्रिमिनल्स अंडर एन आइडिया दैट दीज घास्टली स्पेक्टिकल्स वुड फोर्टिफाई द कॉमन पीपल इन दियर रिजॉल्व टू एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। ये इसलिए टांगा गया है कि जब उनके लोग उसको देखेंगे तो कानून का पालन पक्की तौर पर करने लग जाए, विभत्स रस का डरावना भय पैदा किया जा रहा है। द टॉलरेशन ऑफ द टाइम्स मे बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ लॉ इनेक्टेड बाई द स्कॉच पार्लियामेंट बाई 1685। 17वीं शताब्दी के अंत में कानून पास किया जा रहा है, क्या, दैट हु, इसको हम संक्षेप में बता दे रहे हैं, इसमें वो भाषा का वो मामला नहीं है। एक एक्ट पास किया जा रहा है स्कॉटिश पार्लियामेंट के द्वारा
कि जो लोग भी स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय कोवेनेंट के प्रति निष्ठावान जो लोग होते हैं उनको कोवेनेंटर कहते हैं। तो इनमें जो व्यक्ति भी जाएगा उसको whoever preached or heard in Coventicle should be punished with death and the confiscation of good। चर्च के कई प्रकार हैं, कई शाखाएं उपशाखाएं हैं, जैसे इस्लाम में बहुत से फिरके हैं, देवबंदी है, बरेली है, सिया है, सुन्नी है, अहमदिया है, उसी प्रकार वहां पर कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, कोवेनेंट है, प्रेविस्ट्रियन है, दुनिया भर में। तो स्कॉटलैंड वाले में जो जाएगा तो उसकी सजा मौत है और उसका सारा संपत्ति राज्य और चर्च ले लेगा। तो दैट सच एन इनफेमस स्प्रिट डिड नॉट कंटेंट इटसेल्फ विद मियर डेड लेटर लॉ, ये बात नहीं है। कौन कह रहा है? ड्रेपर, कि ये केवल कानून था, इसका प्रैक्टिकल, देयर इज टू मच प्रैक्टिकल एविडेंस टू परमिट एनीवन टू डाउट। और क्या प्रैक्टिकल एविडेंस है? श्रीकिंग स्कॉच कोवेनेंटर्स वर सबमिटेड टू टॉर्चर, चीखते चिल्लाते हुए, किससे? भयानक यंत्रणा से चीखते चिल्लाते हुए वो कोवेनेंटर्स जो कैथोलिक चर्च से भिन्न एक चर्च में जा रहे हैं, उनका कुल दोष यह है कि कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट चर्च से भिन्न किसी चर्च में जा रहे हैं, उनकी चीखती चिल्लाती हुई चीखें, दे वर सबमिटेड टू टॉर्चर। कैसा टॉर्चर? By crushing their knees, knees घुटने को कहते हैं ना, flat in the boot, घुटने को crush कर दें, तोड़ दें, नाम जाने काहे से तोड़ दें। Women were tried to stakes on the sea sands, लकड़ी के टिकती, वो खास चीजें बताएंगे बाद में जब medieval age होगा। औरतों को बांध के समुद्र के किनारे छोड़ दिया, drowned by the slowly advancing tide, जो धीरे धीरे समुद्र की लहरें आ रही हैं, उनमें धीरे धीरे डूब रहे हैं। जो लोग समुद्र में नहाए हैं उनको ये अंदाज होगा कि ये क्या भाव होता है। बिकॉज दे वुड नॉट अटेंड एपिस्कोपल वर्शिप, इस वाले चर्च में नहीं जा रही है, उस वाले चर्च में जा रही है या जा रहा है, तो ये करेंगे। और दूसरा, औरतों को गाल पर और branded on their cheeks and then shipped to America, या उनके गाल पर लोहे के उससे दाग दिया जाएगा, branding, गरम लोहे से। विलियम ड्रेपर ये जिस पुस्तक में लिख रहे हैं उस पुस्तक का नाम है द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ यूरोप, और ये कोटेशन है पेज 233 से 244 में। ये सारा डिस्क्रिप्शन है जिसका एक झलक मैंने 5-7 वाक्य पढ़ा। अब इसके बाद 11वां, बीए होल्डरनेस, इनका एक और लेखक है जिसने लिखा है प्री इंडस्ट्रियल इंग्लैंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी फ्रॉम 1500 टू 1750। ये कहता है कि मैं जो लिख रहा हूं वो अविश्वसनीय है। क्या कह रहा है? मैल न्यूट्रिशन, हंगर, फूड राइट्स, वार्स, एपिडेमिक डिजीजेस, पॉपुलेशन इंक्रीज इन स्पाइट ऑफ हाई डेथ रेट एंड ऑल दैट। जिस यूरोप को भारत पर शासन करने वाला बताते हैं, और यहां तो संघियों को मुझे लेना पड़ेगा, जो कह रहे हैं धर्मपाल के चेले राजीव दीक्षित और बाकी लोग, कि भारत पर 500 साल से इंग्लैंड ने राज किया। अरे मूर्खों, ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन 16वीं शताब्दी में है, 1947 में चले गए, 1947 से जन्मने वाले दिन ही तुम्हारे ऊपर शासन कर दिए, तो भी 347 साल है। और ऊपर से क्या बताते हो कि शासन क्यों किया? क्योंकि उनके पास ये गुण थे, हमारे पास ये कमी थी। अरे अंग्रेज को तो सुन लो, इंग्लैंड क्या था? तो
इंग्लैंड है, मेल न्यूट्रिशन, हंगर, फूड राइट, वार, एपिडेमिक डिजीजेस, पॉपुलेशन इंक्रीज डिस्पाइट हाई डेथ रेट। ये कब है? अभी तो हम पढ़ रहे हैं 17वीं, 18वीं, 19वीं। इसके बाद के भाषणों में मैं 20वीं शताब्दी के यूरोप का हाल बताऊंगी, किस तरह सड़ सड़ के मर रहे हैं, और उसके बाद चलूंगी मिडिवल एज में। तो आगे कहा जा रहा है कि जिन लेखकों को इन बातों को बताने में शर्म आई, उन लेखकों ने थोड़ा परिष्कृत भाषा में, सोफिस्टिकेटेड भाषा में कहा। जिन दो किताबों को हम उठाए हैं वो परिष्कृत है, क्या है? Those scholars who tried to put these realities in a more modified language have used the word destitution. Destitution का मतलब होगा विपन्नता। Unemployment of the able-bodied men in England, जो मजबूत ठीक ठाक हट्टे कट्टे लोग हैं उनका बेरोजगारी। Whose misery was as much due to their socio-economic conditions as it was due to moral depravity of the individuals. उनका भयंकर नैतिक दुरावस्था, जिसकी चर्चा वो दो पुस्तकें करती हैं। लेकिन ये कह रहे हैं, कौन कह रहा है? ब्रिक्स एंड जॉर्डन। अब ब्रिक्स एंड जॉर्डन एक तरह का टेक्स्ट बुक है इंग्लैंड के ऊपर, और कमाल की बात है हमारे यूनिवर्सिटी के लेक्चरर रीडर प्रोफेसर बेसिक टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़े। क्या कह रहे हैं? At any rate, there was a social problem in European countries. England नहीं, England तो सबसे आगे है, सबका लीडर है, उन्नत है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। और कह रहे हैं जी, क्यों इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट हुआ? क्योंकि वहां प्रोटेस्टेंट चर्च था। तो ये कह रहे हैं, any rate, there was a social problem in European countries. England में भी है, बाकी जगह। The important poor suffered greatly. अब यहाँ इम्पोर्टेंट से हिजड़ा अर्थ लगाऊं कि कमजोर अर्थ लगाऊं कि क्लीव अर्थ लगाऊं, इम्पोर्टेंसी का भी एक विशेष अर्थ है, समय आने पर बताऊं। द इम्पोर्टेंट पुअर सफर्ड ग्रेटली एंड एबल बॉडीड मेन वॉन्डर्ड ओवर द कंट्री एज रोग्स एंड बेगाबॉग्स। ये लोग उचक्के, लफंगे और गरीब भिकमंगों के रूप में इंग्लैंड में घूम रहे। अब ये वो नहीं है गरीब, वो नहीं है भिकमंगे, वो नहीं है लफंगे जो भारत में, एशिया में, अफ्रीका में नजर आएंगे। ये क्या है, इनको सुनिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आप राज्य बता रहे हैं भारत पर बैटल ऑफ प्लासी के बाद, उस समय शीप वॉज मोर वैल्यूबल देन अ मैन। इनक्लोजर मूवमेंट, इंग्लैंड का नहीं पता होगा, भेड़ की कीमत आदमी की कीमत से ज्यादा है। फिर हाँ, अब ये जो भिकमंगे हैं जिनकी कथा सुनाने जा रही हूं, एबल बॉडीड वेगरेंट्स, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, स्टर्डी बेगर्स, तो इनकी सजा क्या है? भीख मांगने की, चोरी करने की और लुच्चेपन से भटकने की इनकी सजा है। एबल बॉडीड वेगरेंट्स स्टडी बेगर्स वर टू बी टाइड टू द एंड ऑफ कार्ट नेकेड। उस भयंकर जाड़े में एक घोड़ा गाड़ी के पीछे नंगा करके बांध दिया जाए। एंड बीटन विद व्हिप्स थ्रू आउट द टाउन टिल देयर बॉडीज वर ब्लडी। चूंकि वो भिकमंगे हैं, चूंकि वो उचक्के हैं, अभी खूनी कत्लों की, डकैतों की बात नहीं कर रहे, केवल उचक्के हैं, बेमतलब आवारा घूम रहे हैं, इनको नंगा करके घोड़े गाड़ी के पीछे बांध दिया जाएगा और कोड़ों से तब तक पीटा जाएगा और पूरे नगर में घुमाया जाएगा। नगर भी आप कोई 150 किलोमीटर का नहीं है, 10-20 5 किलोमीटर का शहर नगर है, उसमें घुमाया जाएगा तब तक जब कि उनका देह लहूलुहान न हो जाए। अब साहब, इसके जो लेखक हैं वो हैं, इसके लेखक हैं ब्रिक्स एंड जॉर्डन, वही
और पेज संख्या कहीं और दिया है, पेज संख्या दिया है 127, 28, 29। आप अर्नाल्ड टॉइनबी, ब्रिक्स एंड जॉर्डन को तो नहीं जानते हैं, अर्नाल्ड टॉइनबी का तो नाम सुना है, इनकी एक पुस्तक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो वो कह रहे हैं कि साहब ये मामला ऐसा नहीं है कि कोई आया और मार कूट के चला गया इन लोग को, कोई यूं ही बदमाश सा अधिकारी, ना ना ना, ये तो आगे हम बताएंगे। सीधे क्वीन इन्वॉल्व है, सीधे पार्लियामेंट इन्वॉल्व है, सीधे डेमोक्रेसी इन्वॉल्व है, सीधे चर्च, क्रिश्चियन चर्च लव है, लव इज गॉड। पगलाहट की लिमिट है भाई। तो चर्च और स्टेट, अर्नाल्ड टॉइनबी के साक्ष से बोल रही हूं, द लेजिस्लेशन ऑफ द एज अबाउट वेगा बाउंड इज रिटन इन ब्लड। वेगा बाउंड का अर्थ आप, वेगा बाउंड का आप निकालिएगा, यू ही जो लोफर सा घूमता रहा, इन सब शब्दों के अर्थ उन पुस्तकों के साथ बताओ। द लेजिस्लेशन ऑफ द एज अबाउट वेगा बाउंड इज रिटन इन ब्लड। इन आवारा और लंपट लोगों के बारे में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में राजा और रानी की मुहर के साथ, चर्च के अप्रूवल के साथ कानून बनाया। वो कानून क्या है? वो खूनी कानून है। कौन कह रहा है? अर्नाल्ड टॉइनबी, किस किताब में? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। द ओनली रेमेडी सजेस्टेड वॉज टू पनिश द वैगरेंट्स बाई क्रूवल टॉर्चर। भयंकर यातना यंत्रणा के द्वारा इनको सजा देना है। यंत्रणा वंत्रणा क्या है? भारतीयों को तो पढ़ने ही नहीं पड़ेगा। बाई व्हिपिंग, कोड़ों से पीटना, एंड ब्रांडिंग, लोहे से दागना, इवन डेथ वॉज रिजॉर्टेड टू आफ्टर ए सेकेंड या थर्ड ऑफेंस। एक बार चोरी किया, दोबारा चोरी किया, एक बार भीख मांगा, दो बार भीख मांगा, तब तक तो साहब कोड़े से पीटेंगे, नंगा करके घसीटेंगे, खून निकाल देंगे, लोहे से दाग देंगे, तीसरे में तो लटका देंगे, मारने में भी तो दम लगता है कोड़े से मारने में, अब लटकाएंगे कैसे वो भी बताए। एंड थ्रू दीज पेनाल्टीज प्रूव वेरी इनएफेक्चुअल, ये भी साली फेल कर गई। क्यों फेल की, क्या की, वो मिडिवल एज पढ़ाएंगे, बताएंगे, तब आप लोग को बताएंगे। एंड थ्रू दीज पेनाल्टीज प्रूफ वेरी इनएफेक्चुअल अर्नाल्ड टॉइनबी, द सिस्टम वॉज नॉट अबैंडन टिल द लॉ ऑफ 43 एलिजाबेथ रिकॉग्नाइज द पनिशमेंट हैड फेल्ड एज अ रेमेडी। जब पार्लियामेंट और वहां की रानी ने रिकॉग्नाइज किया, रानी है, भारत की राज्य व्यवस्था नहीं चाहिए। भारत की कैसी राज्य व्यवस्था? जहां राजा के लिए प्रजा, प्रजा अर्थ शब्द का अर्थ ही संतान है, प्रजा वत्सल। राजा कौन है? जो प्रजा वत्सल है, जिसके लिए प्रजा अपने संतान के समान है, और संतान पर कैसी ममता है? जैसी गाय की अपने बछड़े पर है, जब दूध भी पिलाती है तो उसको जीभ से चाटती है। ऐसी वत्सलता का झलक मैंने इस कोरोना काल में मेरे नरेंद्र देखा। ये विरोधी लोग जो थे, जब इन्होंने बंबई में उत्पात चला के, जब ट्रेन व्रेन बंद कर दिया गया था, लाखों प्रवासियों को सड़क पर उतार दिया, तुरंत ट्रेन व्रेन चालू करके एक एक को ढूंढ ढूंढ के टिकट दे के बैठा के घर तक पहुंचाया। तो नेहरू और गांधी को ये प्रजा वत्सल राज्य व्यवस्था नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? ये इंग्लैंड वाली रानी, अभी रानी की कथा बहुत सुनाएंगे, राजा की भी कथा। अच्छा, अभी रुकिए, अभी रुक जाइए। हाँ, फिर उसी विलियम ड्रेपर का एक है द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ यूरोप, उसमें वो कहता है कि औरतों को, कौन सी औरतें हैं वो सब बताए, औरतों को मार्क भरे बाजार में
राज्य की आज्ञा से नहीं नहीं पार्लियामेंट के कानून से, रानी के स्टैंपिंग से। कौन सी औरतें हैं? क्रिश्चियन औरतें हैं। क्रिश्चियन औरतों को उनके टांग को लकड़ी में बांध के बाजार में धर देते थे, ये तो इतना कह रहा है। उसके बाद भूसे की धीमी आग में सुलगाते, जिसके बारे में मटिल्डा गेज ने कहा है कि अमेरिका में 19 सेंचुरी में बर्निंग डिस्ट्रिक्ट है। तो हमको लगा बर्निंग डिस्ट्रिक्ट ठंडा ज्यादा होगा, पुआल वाल जलाते होंगे, तो कह रही है नहीं, इसकी जो महक है, दुर्गंध नहीं कहती है, भी पढ़ के सुनाएंगे, जो महक है वो जलते हुए आदमी के मांस की है। क्योंकि ये लोग हर प्रकार का मांस खाते हैं, तो हर मांस की अलग बदबू होगी। जैसे हम लोग कटहल छौंकेंगे, चाहे टमाटर छौंकेंगे या आलू छौंकेंगे, तो महक से बता देंगे जीरे की छौंक लगी है कि हींग की लगी है कि राई की लगी है। तो ये बता रही है, ये जो मांस जल रहा है, ये मानवीय मांस है, ह्यूमन फ्लैश है, और वो ह्यूमन फ्लैश कौन है? औरत है, 19th सेंचुरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मॉडर्न पीरियड, पोस्ट रेनेसा, पोस्ट रिफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, एकदम आधुनिक काल, वैज्ञानिक काल, पोस्ट न्यूटन, पोस्ट गैलीलियो, पोस्ट कोपरनिकस, पोस्ट बेकन, ये वो समय है, साइंटिफिक स्प्रिट, एज ऑफ डिस्कवरी, उसकी कथा सुना रहे। एक मिनट। इन एडमिनिस्ट्रिंग द लॉ, whether in relation to political or religious offenses, there was an incredible atrocity. कौन कह रहा है? सर की टाइटल पाया हुआ विलियम ड्रेपर, वो कह रहा है। फिर आगे, the court ladies and even the queen of England, Elizabeth and Victoria, the court ladies and even the queen of England herself were so utterly forgetful of womanly mercy and common humanity as to join in this infernal traffic. वो प्रसंग एक और है, उस छोड़ दिया, वो बाद में बताऊंगी, आप लोग अभी सह नहीं पाएंगे। फिर आगे कह रहा है कि ये जो इतने भर गए हैं, वो भी विस्तार से आएगा, चारों तरफ मक्खी की तरह, कैसा मक्खी? आम पर जैसा मक्खी आता है ना, अपने लोग आम खाते हैं, बिहार, यूपी, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, पूरे भारत में आम है, तो जब आम खाते हैं तो हर प्रकार की मक्खी भन 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 करती है, तो उसी तरह ये कहता है इतने हो गए हैं। इट इज नो न्यू थिंग, ये कोई नई बात नहीं है, बट मोस्ट प्रॉफिटेबल फॉर आवर स्टेट, हमारे राज्य के लिए सबसे लाभदायक है, to rid our multitudes of such as lie at home pestering the land with pestilence and penury, जो मक्खियों की तरह भन भन करके रोग बीमारी की तरह फैले हैं, इनसे पिंड छुड़ाया जाए, और ये and infecting one another with vice and villainy worse than the plague itself, plague, black death, उसकी कथा बताएंगे कैसे लाखों लाखों लाशें, सैकड़ों लाशें, हजारों लाशें सड़क पर फैली हुई हैं, कुत्ता खा रहा है, सियार खा रहा है, सड़ रहा है। तो ये कह रहा है प्लेग से भी बदतर है, 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी जो मिडिल एजेज है, प्री रेनेसा है, वो प्लेग का, ब्लैक डेथ का है, उसकी स्मृति जागृत है, जैसे हम लोग मरेंगे तब तक, और नए बच्चे भी अपने बुढ़ापे में कोरोना को याद करेंगे, वैसे वो प्लेग, कोरोना तो उसके सामने बच्चा भी नहीं है, चींटी भी नहीं है प्लेग के सामने। तो ये कह रहा है ये लोग प्लेग से भी बदतर है, और तब कह रहा है इनसे छुट्टी पाना जरूरी है। हाँ, एक मिनट, एक चीज और बताइए, एक चीज बस और बताइए, इसमें एक जगह कहीं दिया है, हम नहीं खोज पा रहे हैं, कि इनका मर जाना या इनको मार दिया जाना समझदारी है, ऐसा उस समय के यूरोप के लोग कहते हैं।
तो ये वो लोग हैं जो निकलते हैं यूरोप से बाहर, जिसको एज ऑफ डिस्कवरी, इन्वेंशन और बाकी चीज कहते हैं। अंडर सच ग्रुविलिंग कंडीशंस, ग्रुविलिंग को कैसे बताऊं, मैं नहीं बता पा रही। ग्रुविल का शब्द का अर्थ ढूंढ लीजिए। अंडर सच ग्रुविलिंग कंडीशंस द आउटलॉज क्रेव टू गेट आउट ऑफ द टिरेनी ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। लोग इस भयंकर यातना गृह, पैशाचिक गृह से भाग जाना चाह रहे हैं। दे टुक टू सी, ये भागने के लिए समुद्र का सहारा लेते हैं। बाय थाउजेंड्स एंड फाउंड पायरेसी एंड लाइफ ऑफ रिस्क ऑन सी मच बेटर देन द प्राइवेटेशन एट होम। प्राइवेटेशन का हम लोग सोचेंगे कोई प्राइवेट बात है, उसको बता। अब इस समुद्र की ओर जाना कितना भयंकर है, ये हमारे भारतीय लोग नहीं समझ पाएंगे, तो एक मिनट समझिए। क्रिश्चियनिटी का बाइबल में कहना है धरती चपटी है, और ये कहना कोई यूं ही कहना नहीं है कि क्षीर सागर है और दूध का सागर है। चार खड़े हो जाएंगे कहने कि अपने आप ही तो कहा है कि क्षीर सागर है और दूध सागर है। अरे मूर्खों, भारत का जो साहित्य है वो विद्वानों और प्रकांड विद्वानों के बीच में है, जिसका एक एक अर्थ उनको पता है। भूल कर भी तुलना मत करो, और तुलना करो तो ऐसे मूर्खों से समझदारों को बात नहीं करना चाहिए। तो वहां जो ये टेरेसा है ना, जिसको मदर मदर किए फिर रहे हो, जिसका मानना है कि सुनने वाले और मैं और गांधी जी ये सब हिंदू, और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और कमला नेहरू और मुलायम सिंह और मायावती, ये सब जाएंगे नरक। अटल बिहारी भी, जो इसको मदर टेरेसा और भारत रत्न कह, वो भी नरक जाएगा। नरक कैसा, उसका वर्णन सब सुनाना पड़ेगा। तो ये टेरेसा वॉइस ऑफ अमेरिका को जब इंटरव्यू दे रही है तो कह रही है, हाँ धरती तो चपटी है, साइंटिफिक एज, साइंटिफिक टेंपर के बावजूद इस टेरेसा के लिए जो मदर किसकी है, बास्टर्ड चिल्ड्रन की। चर्च का मदर और चर्च का फादर सारे बास्टर्ड्स का मदर और फादर है। इनको जो मदर बुला रहा है वो स्वयं को बास्टर्डलीनेस को स्वीकार कर रहा है, क्योंकि इस टेरेसा के अनुसार एनीबडी बॉर्न आउट ऑफ क्रिश्चियन वेडलॉक, यानी क्रिश्चियन शादी के बाहर जन्मा हुआ हर लड़का और लड़की बास्टर्ड है, हरामी है, नाजायज है, इलीगल है। तो दया करके, करुणा करके, ये उसकी माता है। अब जिसको भाई अपने बास्टर्डलीनेस का इतना कॉन्फिडेंस है, वो उसको मदर फादर बुलाए, तो मैं टेरेसा बुलाता। तो ये टेरेसा का मानना धरती चपटी है, केवल मामला धरती चपटी नहीं है। अगर तुम धरती के आगे जाओगे तो पानी में गिर जाओ, पानी में नहीं गिर जाओ, तुम नरक में गिर जाओ। तो यूरोप के लोग फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ यूरोप और फ्रॉम द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन यूरोप और बाय द टाइम ऑफ स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन यूरोप, जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी कॉन्क्वेस्ट हुआ, स्प्रेडिंग हुआ, ये कहते हैं ड्रैकोनियन डेमोनिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोप जब हुआ है, तो मान लिया गया कि धरती छोड़े और पिशाचों की दुनिया में गए, तो जो मछुआरे थे वो उतनी ही दूर धरती से आगे जाते थे जहां तक धरती दिखती थी। इसी कारण नेविगेशन का कोई ट्रेडिशन ही यूरोप में नहीं है। ये कब शुरू हुआ, इस मिडिवल एज के, इस मॉडर्न एज के, इस पोस्ट रेनेसां एज के भयंकर और भयंकर यातनाओं के दौर के बाद शुरू हुआ। और रिफॉर्मेशन जो कहते हैं, ये लूथर वाला मानता है जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को लाता है, इसके समय में भयंकर यातनाएं हुई हैं और उन यातनाओं के बाद ये लोग समुद्र में निकले हैं। Under such grueling conditions, the outlaws crave to get out of the tyranny of the old world.
They took to sea by thousands and found piracy and life of risk on sea much better than the privacy at home. Piracy and privateering were very lucrative, says Briggs and Jordan. 18th century England, modern period, 1757 ho chuka hai. Tumhara to modern period ho chuka hai, tumhara to lord ho gaya hai Clive. वो तो गवर्नर जनरल हो गया है, वो किस किस ईस्ट इंडिया कंपनी का है अभी बताते हैं। ब्रिक्स एंड जॉर्डन 18वीं सेंचुरी इंग्लैंड में कह रहे हैं, सच सीमेन हुज डेस्परेशन हैड मेड देम बोल्ड एंड ऑफुली डेरिंग। बिल्ली को अगर कमरे में घेर लो वो गले पर आती, बिल्ली नहीं गौरैया को। आप लोगों ने कभी किसी पेड़ पर सर्प को चढ़ते देखा है कि नहीं, जहां गौरैया का घोंसला है? ये नन्ही गौरैया चिड़िया सांप को मारती है चोंच, ये मैंने अपनी आंख से बना रखा। डेस्परेशन, अब डेस्परेशन को क्या कहें, हताशा की इंतहा। सच डेस्परेशन हैड मेड देम बोल्ड एंड ऑफुली डेयरिंग हु हैड अटर डिसरिगार्ड फॉर स्टेट पावर। स्टेट पावर कुछ नहीं है, एंड एनी सिविलाइज्ड नॉर्म्स और किसी भी सभ्यता तो यूरोप में थी नहीं, इंग्लैंड में थी नहीं, लेकिन ये लोग कुछ चीज को सभ्य कहते हैं, कुछ चीज को असभ्य कहते हैं। चर्च जो औरतों के मुंह और वेजिना में इंस्ट्रूमेंट डाल के चलाता है, फाड़ता है, घुटने फाड़ देता है, ब्रेस्ट काट देता है, वो घोड़े से दो टुकड़े में चिरवा देता है, तेल में उबालता है, उसको ये सब सभ्यता कहते हैं? सभ्यता नहीं कहते, ये सब सिविलाइजेशन और कल्चर कहते हैं। सभ्यता और संस्कृति तो आप लोग कहते हैं, शौक है भाषा का दुरुपयोग करने का। तो ये कह रहा है कि इन लोगों ने डकैती को अपना कैरियर बनाया। और ये कौन लोग हैं, इनका जो टेम्परामेंट है ये प्रीडेटरी है। प्रीडेटरी किसको कहते हैं, जैसे भेड़िया लकड़बग्घा जिस तरह शिकार करते हैं, जिस तरह नोचते काटते हैं, इसको प्रीडेटरी कहते हैं, शिकारी प्रवृत्ति नहीं, प्रीडेटरी। अब ऐसे लोगों ने मिलकर 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। वास्को डिगामा और कोलंबस कब है, 1492 1496 या 98। ईस्ट इंडिया कंपनी कब है, 1600, 102 साल बाद। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर पेश किया क्वीन विक्टोरिया को, तो उसमें लिखा द सो कॉल्ड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो मेंशनड इन देयर एप्लीकेशन टू द क्वीन that they should be allowed to recruit men of their choice to conduct trade overseas, in other words not to employ any gentleman in any place of charge। ye jo quotation hai ye kahan ka hai ye zara batana zaruri hai। ye hai Brooks Adams ki kitab se page 280। तो अब इस एक मोटे इंट्रोडक्शन के बाद मैं इस मूल पुस्तक पर आ रही हूं, द लंडन अंडरवर्ल्ड इन द विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा मतलब 19th एंड 20th सेंचुरी, 1820 से 1914। विक्टोरिया रानी बनी है, और ये तो कहेंगे जी इंग्लैंड की भी महारानी है, भारत की भी महारानी। भारत इसी विक्टोरिया का गुलाम बताते हैं ये। मेरे गांधी जी से बड़ी चिड़चिड़ पड़ गई है जब से ये स्वैराचारी गांधी वाला भाषण मैंने दिया है और ध्यान से पढ़ा। इसके पहले तो हम भी चक्कर में थे, प्लेटोनिक लव, स्पिरिचुअल वाइफ, सब यूरोप वूरोप बहुत पढ़े थे, तो रोमांटिक कमियों को बहुत पढ़े थे, तो प्लेटोनिक लव को पढ़े थे, तो उसी तरह का कोई स्पिरिचुअल वाइफ होगा वो पढ़े थे। कुल पढ़ के भी नहीं घुसता है, क्योंकि ये हिंदू सनातनी माइंड इतना विभत्सता कल्पना नहीं करता।
पढ़ने के बाद, लेकिन पिछले साल जब ध्यान से पढ़ा, लेकिन गांधी जी कहते हैं भारत गुलाम नहीं है, हिंद स्वराज में वो गुलाम है जिनकी खोपड़ी में गुलाम। जो भारत को गुलाम कहता है वो नरक में जाएगा, अपने परम प्रतापी पूर्वजों को एक आधम राक्षसी लोगों का गुलाम बना बताना पाप का अर्जन है और नरक में जाने का मार्ग है। तो अब क्या किताब का नाम है? द लंडन अंडरवर्ल्ड इन द विक्टोरियन पीरियड, ऑथेंटिक फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स बाय बेगर्स थीव्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स। 1820 19वीं शताब्दी, और हम लोग को क्या बताया जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड दुनिया का सबसे धनी देश है। भारत महाभारत काल से नीचे उतरता चला आ रहा। मैंने कुछ दिन सुदर्शन जी के मुंह से सुना, मेरा माथा घूम जाता था। ये भाई महाभारत पढ़ो, रघुवंशम पढ़ो, कालिदास पढ़ो, कुछ को पढ़ो, माघ पढ़ो, बाण भक्त पढ़ो, कहीं टिकेडनसन को तो नहीं दिखता, कारण मैंने यूरोप बहुत ठीक से पढ़ा था। एंड आई एम वेरी श्योर पूजनी सुदर्शन जी जो सबसे बड़े पढ़ाकू थे संघ के, उन्होंने नहीं पढ़ा। मेरी पुस्तकों का तो घनघोर प्रचार किया था, उतने पढ़ा। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में तो राजा है भाई इंग्लैंड, इसका तो सूर्य अस्त ही नहीं होता है। भारत को तो सब लूट के ले गए, सोने की चिड़िया का सब पर सब लूट गए। अब बेचारी लुटी पिटी चिड़िया बैठी है। आदमी कितने हैं भाई इंग्लैंड में? आज के दिन भी 5-7-8-9 करोड़ है। आज के दिन 5.5 करोड़, उस समय करोड़ 1.5 करोड़, 2 करोड़ आदमी है। और उस 1.5-2 करोड़ में 70% 80% 90% नहीं 50% नंगे भूखे ऐसे रह रहे हैं जैसे सुअर भी रहना नहीं पसंद करे। मेरी भाषा नहीं है, कारण मेरी तो कल्पना के बाहर है। हम अपने घर का ही सफाई करते करते थके रहते हैं, हमको अपना ही घर गंदा लगता है। जब नई बाइयां काम करने आती हैं, सब डांट खाती हैं, सब चकराती हैं, कहां हम साफ करें भाई, कहां साफ करें, सफाई कौन चीज साफ करें, उसमें ये कोई। और ये किताब कब लिखी गई है? मूल किताब mid-19th century। तो भाई ये जो गांधी जी इंग्लैंड घूम रहे थे, ये तो इस गंदगी के बारे में हम लोग को कुछ नहीं बताए। और ये जो नेहरू घूम रहा था, और दुनिया भर के जो और घूम रहे थे, ये जो धर्मपाल जी, ये इंग्लैंड के में बैठ के 20 साल बड़का भारी रिसर्च किए, सचमुच किए, वस्तुतः किए, वहां की आर्काइव्स में से मोटा मोटा पोथा ले आके दिए, उनको यूरोप के बारे में ये मोटी मोटी बात नहीं पता थी। कभी पढ़िए, 10 वॉल्यूम छापा है संघ की, जो इंदुमती काटदरे जी हैं, उन्होंने हिंदी में सब गुजराती से इंग्लिश में, गुजराती में करवा दिया, हिंदी में करवा दिया। कहीं यूरोप के इस नारकी यंत्रणा का वर्णन कहीं भी कभी भी सुना है आपने? मुझे याद है 2-3 साल पहले डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भोपाल आए थे, तब मैं वो पुस्तक पढ़ रही थी डर्ट ऑन समथिंग, दिखाऊंगी मैं। तो मैंने उसके कुछ प्रसंग उनको बताए कि ऐसे टट्टी सड़क पर फेंका जाता है हरदम, इसको नाइट सॉयल कहते। तो मुझे लगता था भाई मॉर्निंग सॉयल कहना चाहिए, क्योंकि टट्टी तो सुबह की जाती है, रात को तो नहीं की जाती है। लेकिन बात दिमाग में घूम के खत्म हो जाती है। इसको जब पढ़ा तो समझ में आ गया नाइट सॉयल पे। तो मैंने उनको बताया, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको ये सब पता है? बोले नहीं पता है। तो हमने कहा कि आप तो बहुत पढ़े हुए हैं, तो आपने कहीं मेमोयर्स में पढ़ा है क्या, जो ये नेहरू जी अब दुनिया भर के कांग्रेसी जो दिन भर विलायत जाते थे बैरिस्टर सब? बोले भाई जहां तक मैंने पढ़ा है मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। फिर वो किताब वो लिए और उन्होंने कहा। तो ये आके हमको इंग्लैंड की महिमा बता रहे। अब सुनिए,
अब सीधे सीधे मैं पुस्तक से पढ़ूंगी। पहला अध्याय शुरू होता है प्रोस्टिट्यूट्स। विक्टोरियन इंग्लैंड की गोरी तवायफे। अब तवायफों के कोई 10-15 प्रकार दिए हैं। कैसी कैसी, सबका तो मतलब ही पढ़ना, मतलब इसको पढ़ना भी सजा है। कुछ हम जरूर गलत काम किए होंगे किसी जन्म में, जो हमको यूरोप और इस्लाम कुरान पढ़ना पड़ता है, बहुत बहुत बड़ी सजा है। एक है तवायफ जो अकेले रहती है, दूसरी तवायफ है जो प्राइवेट हाउस में रहती है, तीसरी है जो वो सामूहिक रूप से रहती है, कुछ बोर्ड लॉजर्स है, दोज हु लिव इन लो लॉजिंग हाउसेस। ये मैडम शब्द का अर्थ समझते हैं, जो बूढ़ी हो गई प्रोस्टिट्यूट और बाकियों को प्रोस्टिट्यूशन में लगाए वो मैडम है। सेलर्स वुमन, वो तवायफे जो नाविकों को कैटर करती हैं। सोल्जर्स वुमन, वो तवायफे जो सैनिकों के साथ घूमती। हे भगवान, मैंने इतना मिलिट्री का वो पढ़ा है, लिटरेचर भारत का, और अभी पूरा का पूरा मैं महाभारत में बोल रही हूँ, सैनिकों के साथ तवायफे चलती हैं। हे कृष्ण, फिर थीव्स, चोरों की तवायफे, पार्क में घूमने वाले, पार्क में ही सकल कर्म करने वाली तवायफे। फिर एक चैप्टर है द डिपेंडेंस ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, तवायफों पर निर्भर लोग। उसका बता रहा है इससे कितनी इकोनॉमिक, कितना जीएनपी बढ़ रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तवायफे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। तो ड्रेस लॉजर्स है, कीपर्स ऑफ एकोमोडेशन हाउसेस है, प्रोक्यूरेसेस है, पिम्प है, जो इनको पकड़ पकड़ के ले आते हैं, दलाल हैं, उनको प्रोक्योरर एक है, पिम्प एक है, पांडरर ये है, जो इनको पकड़ के ले आके इस धंधे में लगाता है, वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पार्ट है, जीएनपी बढ़ रहा है। फैंसी मैन है, बुलीज हैं, जो मजबूत सब उनके साथ रहते हैं, गुंडे, हट्ठे खट्टे गुंडे, इसमें तो बुलीज का मतलब भी गुंडे है, जो कि उन तवायफों को, जो वेश्या मत कहना कभी, तवायफ और प्रोस्टिट्यूट, इसके और भी कई वैरायटी हैं, वो जब स्त्रियों पर मैं बात करूंगी, वो अलग है, प्रोस्टिट्यूट अलग है, तो अभी उसका डिटेलिंग नहीं है, मैं पुस्तक के सहारे चल रही हूँ। तो ये जो बुलीज है, इनको भी रोजगार मिल रहा है, वो जो देह व्यापार से कमा रही है उसका एक हिस्सा इन सबको जा रहा है, तो मनी सर्कुलेट भी हो रहा है फास्ट, द वेलोसिटी ऑफ मनी इज इंक्रीज्ड, सो द जीएनपी इज इंक्रीजिंग। फिर क्लैंडेस्टाइन प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जो कि छिपी हुई हैं, जिनका पता नहीं चल रहा है, जो आदमियों की पत्नियां बन के घूम रही हैं हाई सोसाइटी में, उनका हाई क्या है कि टट्टी नहीं साफ है, देह में लगा हुआ है। नेपोलियन कब है, वाटरलू है 1814 में, 19th हो गया था। नेपोलियन कौन है, कोर्सिका में जन्मा है, फ्रांस का बादशाह, फ्रांस का नहीं यूरोप का बादशाह, वो मिस्र से जब लौटता है तो अपनी पटरानी को चिट्ठी लिखता है, जानना जरूरी है, उम्र के कारण बोल पा रहे, तुम अपने को गर्म पानी से धो धा के साफ रख। इसका अर्थ है ये कमर से नीचे का हिस्सा में टट्टी और माहवारी का ब्लड है, मैं आ रहा हूं, ये इनका एलीट क्लास है। और ये केवल 18वीं शताब्दी नहीं है, ये 19वीं भी है, ये 20वीं भी है। 20वीं शताब्दी के शुरू में वो एक किताब है वेल्थ एंड पॉवर्टी ऑफ नेशन, शायद उसमें लिखा है दुनिया का सबसे धनी आदमी, उसका नाम दिया, पढ़ के बताऊंगी। क्या पुस्तक की शुरुआत ही है, क्या आप विश्वास करेंगे कि वो धनी आदमी किस चीज से मर गया, जहां से टट्टी करते हैं वहां पर एक मस्सा हो गया होगा कोई कारण से, तो उसको खुजलाते खुजलाते उसमें क्या मवाद हो गया, पस हो गया, और उसका कोई दवा ही नहीं था, इसलिए दुनिया का धनी आदमी मर गया। 20वीं शताब्दी,
1905 20वीं शताब्दी में लंदन और पेरिस इंग्लैंड और फ्रांस की राजधानी, इस राजधानी में टट्टी सड़क पर खिड़की से फेंकी जाती है, सुअर चाट के साफ करता है, औरतें और आदमी खोपड़ी पर उठा के ले जाते। 20वीं शताब्दी। तो क्लैंडेस्टाइन प्रोस्टिट्यूट्स जो इनके 1% जेंटलमैन, और ईस्ट इंडिया कंपनी कहता है ना हम जेंटलमैन को नहीं इंप्लाई करेंगे, टट्टी से लदा हुआ लिपा हुआ, बर्नर्ड शॉ की कहानी है शायद, वो बर्नर्ड शॉ कहता है मैं क्या करूं, हर जगह औरतें हैं तो मैं कहीं भी खड़ा खड़ा मूत लेता हूं। ये सब मैं पढ़ के आपको सुन। फिर है फीमेल ऑपरेटिव, फिर है मेड सर्वेंट, जो घर में दाइयां गोरी दाइयां काम करती हैं वो प्रोस्टिट्यूशन करती हैं। फिर है लेडीज ऑफ इंट्रीग एंड हाउसेज ऑफ एसाइग्नेशन, फिर है कोहैबिटेशन प्रोस्टिट्यूट, फिर है नरेटिव्स ऑफ ए गे वुमन, फिर है क्रिमिनल रिटर्न्स, और फिर है ट्रैफिक इन फॉरेन लॉ। फिर एक मामला ये है, ये जो गोरी और ये जो ट्रैफिक इन फॉरेन वुमन, मतलब फ्रांस से भी आ रही है, नीदरलैंड से भी आ रही है, पुर्तगाल से भी आ रही है, स्पेन से भी आ रही है, खाली आ नहीं रही है जा भी रही है। ये जो दूसरी किताब लो एंड लाइसेंशियस यूरोपियन, इसका कवर पता नहीं कहाँ फेंका गया है। तो ये जो गोरी औरतें हैं, कौन सी गोरी, अंग्रेज औरत, फ्रांच औरत, फ्रेंच औरत, जर्मन औरत, पोलिश, बेल्जियम, स्विस, स्पैनिश, सबकी सब जा भी रही हैं। कहाँ जा रही हैं, कलकत्ता जा रही हैं, रंगून जा रही हैं, कोलंबो जा रही हैं, मुंबई जा रही हैं, काहे को जा रही हैं, तवायफ गिरी करने जा रही हैं। और इनको गोरों से ज्यादा एशियन, इंडियन, जापानी, चाइनीज पसंद आ रहे हैं। क्यों पसंद आ रहे हैं, वो पेमेंट ज्यादा, and they give more sexual happiness and they treat them well, they are not violent to them. Bharat mein, Bharat chhodo ji, Asia, Africa, Latin America, North America, kahi kalpana hi nahi hai ki samagam mein violence. Ye to madhurta ka, komalta ka, aanand ka vishay hai na bhai. To ye do ke aaj 10 baj gaya hai, in do kitabon ko साथ साथ हम आगे लेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए देना पड़ा उन अपने लेखकों का कि थोड़ा बैकग्राउंड समझ आ जाए। मुझे लगता है कम से कम 3 भाषण इसमें लगेंगे। नमस्कार, बहुत भयंकर है। जब हम पतंजलि में स्वामी जी को बताए इससे पहली बार 2013 तो स्वामी जी ने कहा था, स्वामी रामदेव जी ने, बहन ये सब बताना लेकिन किताब दिखा दिखा के बताना, नहीं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। हमने कहा स्वामी जी लोग विश्वास करेंगे, मैं बड़ी विदुषी हूँ। तो बोले जो जानते होंगे वो ना कि आप कौन सी विदुषी है, पुस्तक दिखाइए। तब से मैंने ये नियम किया, पुस्तक दिखा कर ही बात करना है, अन्यथा कल्पना से परे है। इंद्रजाल कॉमिक्स आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा। मेरी उम्र 68 साल, तो जब 8-10 साल की थी तो पडरौना में एक बाड़ी नदी है, बाण नदी से बाणी नदी बना होगा, तो वहां कार्तिक पूर्णिमा में मेला लगता था। दादाजी के साथ बैलगाड़ी में बैठ के जाते थे, तो बचपन की सब कहानियां याद है, तोता मैना की कहानियां, डायन की कहानी, चुड़ैल की कहानी, भूत की कहानी, पिशाच की कहानी, कुल कहानी व्यर्थ है इन वास्तविक घटनाओं के आगे। मैं रविशंकर जी के लिए कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे ये सब बता देने के लिए एक अवसर नहीं दिया, कई बार आग्रह किया, तो उनको मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। मेरा मन छटपटाता था ये सच मैं अपने देशवासियों को बताऊं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मुझे लगता है ये इतना हैरत अंगेज था, मैंने भी कुछ कुछ यूरोप को पढ़ा आपके सानिध्य में, लेकिन ये किताबें देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। मैंने इनमें से 2-3 किताबें अभी डाउनलोड की हैं, और 2 किताबें जब मैं ड्रैपर को डाउनलोड कर रहा था, अंडरवर्ल्ड, लंदन अंडरवर्ल्ड को कर रहा था, इस पर मुझे 3 किताबें और मिली जो उस पर लिखी गई हैं, वहां पर अलग अलग लोगों ने लिखी हैं,
मुझे लगता है अनगिनत साहित्य है, ये तो नमूना मात्र। हमारी शुभकामना है और अपेक्षा है कि कम से कम, मैं अपने बारे में कहता हूं कि 200 साल जीऊं, मैं आपकी भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 200 वर्ष की आयु दें, इसी गति से आप पढ़ें और हमें ऐसे ऐसे रहस्य निकालकर हमारे सामने मिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।